आपको मैं जैसे दिखा हूँ कि इसमें इन्फिनिटी का कंपोनेंट लगा, देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी डंपिंग भी हो चुका है। देखिए डंपिंग आप देख सकते हैं कि मेगा सोनिक का ही डंपिंग लगा है इसमें। तो जो आवाज़ वॉइस के लिए लगता है ये, ताकि आपका जो वॉइस होता है वो क्लियर आए, और बेस जो होता है इससे बेस बढ़ जाती है। सामने देख सकते हैं इसमें इंस्टॉल हमने कर दिया है स्टीयरिंग कंट्रोल, ये कंपनी का स्टीयरिंग कंट्रोल देख सकते हैं आप, ये देखिए कंपनी का ये, और हमने जो इंस्टॉल किया वो भी दिखाऊंगा आपको। ओरिजिनल रैप किया स्टीयरिंग, और डैम्पिंग सीट तो मैं दिखाई रहा हूँ कि डैम्पिंग, ये देखिए डैम्पिंग हो चुका है इस सब में, और आगे जो पीछे भी डैम्पिंग होना चालू हो चुका है, ये देखिए आप पीछे डैम्पिंग हो रहा है। और गाड़ी अपना देख सकते हैं किया सोनेट है, ठीक ना, तो ये देखिए आप डैम्पिंग इसमें लगना चालू हो चुका है, देख सकते हैं आप। और डैम्पिंग का प्लस पॉइंट डैम्पिंग का होता है, देख सकते हैं ये डैम्पिंग का प्लस पॉइंट क्यों होता है, ताकि जो आपका जो बेस है जो अंदर से आपकी आवाज़ निकले उस पर कोई, मतलब नॉर्मली जो उससे क्या होता है कि डैम्पिंग ना लगा हो तो पन्नी लगा होता है तो उसमें थोड़ा बेस नहीं बन पाती है, मगर इस डैम्पिंग लगाने का मतलब क्या होता है, डैम्पिंग से पूरा आपका बेस तरीके से बनता है और वॉइस जो होता है वो क्लियर फेंकता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसमें आगे हमने अभी तक नहीं किया है, और दो दरवाजा दिखा भी चुका हूँ उस तरफ का, देखिए वो हो चुका है। और इसमें सीट का भी मैं दिखा चुका हूँ, सीट का भी किस तरीके से इंस्टॉल हुआ है, ये देखिए ये सीट का पीछे का बैग रखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो पीछे भी हमने इसमें लास्ट वो लगा रखा है कारपेट, और ये देखिए नीचे का अंदर का जो पीछे था वो देखिए आप, जो लगा हुआ पीछे वो दिखाता हूँ आपको। साथ में आते हैं आप स्टीयरिंग कंट्रोल पे, जो स्टीयरिंग कंट्रोल दिखाने वाला हूँ आपको मैं। तो ये देखिए ये साइड अभी डैम्पिंग नहीं हुआ है, और ना ही इसमें आप ये देख सकते हैं कि ना ही इसमें अभी ये लगा है कंपोनेंट लगा है, तो नॉर्मल बक्सा है। और इसका जो स्टीरियो है, स्टीरियो भी इसमें इंस्टॉल होने वाला है। और देखिए आपका जो ओरिजिनल स्टीयरिंग रैप होता है, तो स्टीयरिंग देखिए आप, ये देख सकते हैं जैसे जी टी लाइन में रहता है ना, जी टी लाइन में वैसे सेम ही बना रखा है हमने, ये देखिए आप। और अब दिखाते हैं आपको स्टीयरिंग, जो स्टीयरिंग हमने इंस्टॉल किया है ये देखिए, ये देखिए स्टीयरिंग का कितना बढ़िया, देख सकते हैं कि जो फिटिंग होता है वो भी बिल्कुल, देख सकते हैं आप फिटिंग खुद ही चेकआउट करें आप, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, चेकआउट फिल्म फिटिंग आप खुद ही करें, कैसा लग रहा है आपको। सीट का लुक देखिए, तो ये देखिए ये वाला स्टीरियो इसमें इंस्टॉल होने वाला है, फुल एंड्रॉयड 9.5 इंची का, 9 इंची का स्टीरियो होता है, जो कि इस फ्रेम में लगेगा, देख सकते हैं ये देखिए फ्री आप देख सकते हैं। इसमें कपलर ऑलरेडी देख सकते हैं कि कपलर वाइज जो भी कप होगा ओरिजिनल कपड़े का कपलर के तरीके से होगा, देख सकते हैं अभी कपलर इसमें लग चुका है। और साथ में जो इसमें लगने हैं अभी फ्रंट हेडलाइट में DRL, तो फ्रंट हेडलाइट में DRL भी दिखाने वाला हूँ। अभी हेडलाइट खुल के गया हुआ है, देख सकते हैं हेडलाइट खुल के गया हुआ है, फ्रंट DRL में दिखाऊंगा आपको,